टैक्स के रूप में और ये लूट लेते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आप दुकान में जाके कोई भी चीज़ खरीदो, पेन खरीदो, पेन, ये मेरे हाथ में एक पेन है, ये आप खरीद लो, 10 रुपये का कम से कम मिलेगा, कम से कम 15 का भी मिल सकता, 20 का भी मिल सकता, कम से कम तो 10 का मिलेगा। ये जो पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक को एक बार मैंने पूछा कि तुम्हारा पेन जो 10 रुपये में मिलता है बाजार में, ये फैक्ट्री में कितने का बनता है? तो उसने कहा क्या करोगे जानकर? मैंने कहा पता होना चाहिए ना लूट कितनी हो रही है मेरी। तो इसके मालिक ने मुझे बताया कि ये 1 रुपये में बनता है, 1 रुपये में। फिर मैंने कहा पूरा पेन? उसने कहा हाँ पूरा पेन 1 रुपये में बनता है। फिर मैंने कहा इसके अंदर की जो रिफिल है? तो उसने कहा वो 50 पैसे में। तो माने ये पेन 1.5 रुपये का है। अब 1.5 रुपये का पेन आपको 10 रुपये में क्यों मिलना चाहिए? तो सरकार ये कहती है हमने इस पर टैक्स लगाया है। तो टैक्स कितना लगा दिया? 8.5 रुपये। अब आपकी जेब से सरकार ने 8.5 रुपये निकाल लिए अगर आपने एक पेन खरीदा तो। दो खरीदे तो 17 रुपये निकाल लिए, 3 खरीदे फिर 4 खरीदे और करोड़ों खरीदे तो 1 करोड़ रुपये निकाल लिए। तो पेन बेचा उन्होंने, दुकानदार ने ले लिया, सरकार ने उसमें से टैक्स। पेन के अलावा